गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम के पौश इलाके मालिबू टाउन में बिल्डर्स और रेजिडेंट्स के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि टावर नंबर 1 और 2 के लगभग 120 परिवार जहां के तहां फंस चुके हैं। यानी कि ये परिवार यदि सोसाइटी के बाहर हैं तो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, और सोसाइटी के अंदर हैं तो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इनका आरोप है कि फ्रॉड बिल्डर के गुंडों ने ना केवल इनके एक्सेस कार्ड बंद कर दिए हैं, जिससे ये लोग पार्किंग तक यदि पहुंच भी जाते हैं तो पार्किंग से लिफ्ट में नहीं जा सकते हैं, लिफ्ट से अपने फ्लैट में नहीं जा सकते हैं। और इसी को लेकर आज इन लोगों ने ना केवल वहां पर धरना दे दिया है, बल्कि सभी निवासी जहां के तहां अपनी गाड़ियां जाम करके बैठ गए हैं। मामला इस कदर तूल पकड़ा कि मामला पुलिस तक भी जा पहुंचा और पुलिस भी मौके पर आ गई। निवासियों का ये भी आरोप है कि मैसर्स मालिब्यू टाउन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि यहाँ की निर्माता जिन्होंने इन टावर्स को बनाया था, उन लोगों ने उनको जो सुविधाएं देनी थी वो सुविधाएं नहीं दी थी, जिसके बाद ये लोग बिल्डर के खिलाफ कोर्ट में चले गए थे। और कोर्ट में जाने के बाद बिल्डर को जब फंसता हुआ दिखाई दिया तो बिल्डर ने अपने कुछ लोगों को एक्सेस कार्ड बंद करके इन निवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं यहाँ के 120 परिवार। इस पूरी रिपोर्ट का जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने। आइए दिखाते हैं वहाँ के निवासियों की इस समय की क्या स्थिति है। गुरुग्राम के सोना रोड पर मालिबू टाउन सोसाइटी में उनमें रहने वाले लोगों को ना तो घर से बाहर जाने दिया जा रहा है, या फिर कोई बाहर से अंदर आना चाहता है उनको अंदर आने दिया जा रहा है। जो एक्सेस कार्ड होते हैं बिल्डिंग में लिफ्ट को लेकर और पार्किंग को लेकर जो बनाए जाते हैं सोसाइटी द्वारा, वो सब कुछ बैन कर दिए गए हैं। और इस वजह से आज RWA के जो मेंबर्स हैं और यहाँ रहने वाले 120 परिवार हैं वो अपने फ्लैट्स के बाहर खड़े हुए हैं। कारण ये है कि ना तो उनकी गाड़ी बाहर जो जा चुकी है उसको अंदर जाने दिया जा रहा है, और जो अंदर है उसको बाहर आने दिया जा रहा है। सारे रेजिडेंट्स यहाँ पर हैं और परेशानी को लेकर इन्होंने यहाँ पुलिस भी बुलवाई है ताकि अपनी परेशानी पुलिस को बताए। हालांकि ये परेशानी अभी तक की नहीं है, काफ़ी समय से मुद्दा चल रहा है। कारण ये है कि इसके अलावा जो बाकी के टावर हैं उनके RWA अलग है और इनके RWA अलग हैं, और जो बिल्डर हैं उन्होंने इससे पहले के जो RWA है उसको हैंड ओवर कर दिया था यहाँ का मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस को लेकर ही यहाँ पर बहसबाजी चलती रही काफ़ी समय से। और इसी वजह से आज ये हालात है कि इन दो टावर के 120 परिवारों को अपने घर के बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। इन लोगों से बातचीत करते हैं, कब से मुद्दा चलता आ रहा है, कहां कहां इन्होंने शिकायत दी है, निगम में इन्होंने शिकायत दी है, पुलिस में शिकायत दी है, कहां ये शिकायत दे चुके और क्या रिवर्ट इनको अब तक मिला है। सर, क्या परेशानी है जो आज यहां पर सड़कों पर खड़ा होना पड़ रहा है फ्लैट से बाहर? सो परेशानी हमारी ये है कि हम शांति से यहां रहना चाहते हैं, हमारा RWA है और एक RWA जो जिसका इन टावरों से कोई लेना देना नहीं है वो हमारे पे गुंडागर्दी कर रहा है। ये एक सामने बंद रोड है, बंद रोड के दूसरी तरफ एक दूसरा RWA है जो कहता है ये भी उनका ही एरिया है, और हमारा कोर्ट में केस चल रहा है सिविल सूट, जिसमें हमने इस मेंटेनेंस टेकओवर के लिए स्टे के लिए अपील की हुई है, बट कोविड होने की वजह से हियरिंग्स नहीं हुई हैं। दो हियरिंग्स के बाद हम वेट कर रहे हैं, सब जुडिस है और हम लॉ अबाइडिंग हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं उन्होंने हमारा एक्सेस कार्ड कैंसिल कर दिया है, और ना हम बैरियर से बेसमेंट में जा सकते हैं और ना ही बेसमेंट से हम लिफ्ट में जा सकते हैं, क्योंकि बेसमेंट से लिफ्ट में जाने के लिए हमें कार्ड एक्सेस चाहिए। तो ये सरासर गुंडागर्दी हो रही है और यही हमारी प्रॉब्लम है, और ये सबकी प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारे कुछ सीनियर सिटीजन से, आप प्लीज़ कैमरा उनको दिखाइए, शी इज़ अ सिंगल पर्सन लिविंग देयर, शी इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, उनका बिजली काट दिया गया, उनका सेवरेज नहीं उठाया जा रहा, 2 दिन से सेवरेज उठाने वाले स्टाफ को कहा गया है कि आप सेवरेज नहीं उठाएंगे। लोग के हिसाब से आपको बताया गया जो आपको चार्जेस देने हैं पानी और बिजली के वो आप दे रहे हो उस RWA को, उसके बावजूद भी फ्री हक जता रहे हैं, किस वजह से? और आपने निगम में कंप्लेंट की है, क्या वहाँ से अब तक कंप्लेंट सभी को करी है, MCG को करी हुई है, कमिश्नर को करी हुई है, SHO को मालूम है, ACP को हम मिल के आए हैं, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी नहीं है जिसको नहीं मालूम है। और सिर्फ एक ही ये एक्सिस की बात नहीं, हमारी लिफ्ट है जो कि 20 साल पुरानी हो चुकी है, रेसिडेंट्स ने पैसे इकट्ठा करके लिफ्ट खरीदा है, उस लिफ्ट को भी ये बदलने नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ इनको इल्लीगली और इमोरली सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला हैं जो अब फ्लैट के बाहर खड़ी हुई हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी को अब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनका खुद का फ्लैट यहाँ पर है, लगभग 75 साल इनकी उम्र है, वो अब बाहर यहाँ पर खड़ी हुई है गर्मी में। मैम, क्या वजह है आपकी गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है?
मेरी गाड़ी को अंदर नहीं दिया जाने वाला। बेटा मेरी गाड़ी तो नहीं, अभी मैं आई नहीं हूँ, पर वही है कि अपना दिखा रहे हैं कि हम ही है सब कुछ। तो हमने अपने पैसों से यहाँ मकान खरीदा हुआ है, दिस इज अवर प्रॉपर्टी, हु आर यू टू स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग इन। इतना मतलब बाहर नहीं आने दिया तो, ना अगर कोई बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाने जाता है ना, कुछ नहीं करने दे रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं, पार्किंग में नहीं जा रहे, सब इन्होंने बंद कर दिए। भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, मैम क्या वजह है जो आज गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं सोसाइटी? सर ये तो इन्हीं को पता होगा, MCAWA वालों को, जिन्होंने हमारे एक्सेस कार्ड बंद कर दिए हैं। और वो इन्होंने इसलिए बंद कर दिए हैं क्योंकि हमारा केस चल रहा है इनके खिलाफ, ये कोर्ट के थ्रू जाने के बजाय दे आर हरेसिंग अस एंड दे आर हरेसिंग अस एवरी डे। दो दिन से कचरा नहीं उठा है, आज एक्सेस बंद हो गया है, 10-12 दिन हो चुके हैं, मेरे वर्कर्स को नहीं आने दे रहे हैं, मेरे घर पे पेंटिंग का काम चल रहा है, नहीं आने दे रहे हैं उनको। सर मेंटेनेंस के जो चार्जेस हैं उसका मामला क्या है पूरा, क्या मेंटेनेंस के चार्जेस देने होते हैं जो आप नहीं दे रहे हैं? नहीं नहीं, सभी लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं। जो मकरवा जो RWA बनी हुई है वो टोटली इलीगल है, कुछ ही लोगों का एक संगठित गैंग है वो, जो पूरे 6 टावर को काबू करना चाहता है। और इन्होंने पहले फॉरेस्ट की लैंड को भी इनक्रोच करने की कोशिश की थी, जिसको हम लोगों ने डिपार्टमेंट फॉरेस्ट में लिख के उसको हमने बचाया, और अभी भी इनकी कोशिश है। दूसरा जो आज का इशू है, आज के इशू में टोटली इनकी गुंडागर्दी है, पुलिस 2 घंटे से आई हुई है, हम पुलिस को कह रहे हैं कि भाई आप एक्शन लो इनके खिलाफ, ये कोई एक्शन ना पुलिस ले रही है और ये ना इनका RWA का कोई पदाधिकारी यहाँ है। पहले भी रात को इन्होंने लाइट काटी थी, कोई भी कैजुअलिटी किसी भी टाइम हो सकती है इनकी एक गुंडागर्दी के कारण। आज का ये है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, मेरे को ऑफिस जाना था, पिछले 3 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ, ना बाहर से बंदा अंदर जा सकता, ना बाहर वाला अंदर वाला बाहर आ सकता है। ये सब मकरवा और जो एजेंसी जो उनकी एक इलीगल है उसके कारण ये सारी घटना हो रही है। इट्स टोटली इलीगल, बिल्कुल कोई भी इसको नहीं मानता है यहाँ, और ये ना किसी लॉ को मान रहे हैं। हम पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके माध्यम से, के राव जी से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, सत्यव्रत और उसकी 6-7 लोगों की टीम और जो एजेंसी है जिनको इन्होंने आगे हायर किया हुआ है, और हमें इनकी गुंडागर्दी से बचाया जाए। बाउंसर भी ये लोग रखते हैं, कभी भी किसी के साथ कोई घटना ये लोग कर सकते हैं। ये मामला शुरू होता है 2002 के अंदर, जब लोग यहाँ आने शुरू हुए थे और ये टावर थे। हमारे पास सरकार के हर विभाग से आदेश हैं कि बिल्डर ने गलती कर रखी है। पुलिस ने 4 FIR की हैं, उनमें से 3 सरकार ने कराई हैं, 1 मेरी FIR है। कोर्ट के आदेश हो चुके हैं, हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो अपनी परमिशन वापस ले चुका है, लोकायुक्ता के ऑर्डर इनके खिलाफ़ हैं। अब इन्होंने बिल्डर्स ने क्या किया है कि अब जेल में जाने से बचने के लिए इन्होंने गुंडों की RWA यहाँ पे बिठा दी है, जो लोगों को घर नहीं जाने दे रहे। अब जब पुलिस की SIT बनी है, इसकी जाँच कर रही है, उसके बाद पुलिस ये होने दे रही है, तो आप सोच सकते हैं अगर आपको आपके घर में ना जाने दिया जाए तो आपके साथ क्या होगा। जब पुलिस FIR कर चुकी है तो बचा क्या, कोर्ट में केस है, कोर्ट आधे इनके खिलाफ निर्णय दे चुका है, तो बचा क्या, मैं अपने घर में नहीं जा पाऊंगा तो रहेगा क्या। क्या कारण है कि इनसे संबंधित विभाग में शिकायत देने के बावजूद भी आज सड़कों पर खड़ा? इसके जो मालिक हैं, पहले जो डायरेक्टर था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का लड़का था, उससे पहले उसके साथ ही बर्जर पेंट के 2 मालिक थे, 2 डायरेक्टर थे, वो यहाँ के डायरेक्टर थे, KS ढींगड़ा और उनके भाई गुरबचन सिंह ढींगड़ा। जब पुलिस में केस हुए, FIR हुई, तो वो छोड़ के भाग गए, अब वो डायरेक्टर नहीं है, उनके कारिंदे डायरेक्टर हैं। तो जब वो भाग गए और यहाँ से पैसा लेके अपनी कमाई करके भाग गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का नहीं है, ये आपके पीछे क्लब है जिसको सरकार ने सील किया है, जब सरकार सील कर रही है, डिस्पेंसरी तोड़ दी गई है, जब ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे STP आप देखेंगे तो ग्रीन बेल्ट में बना हुआ है बंद के ऊपर, और HSPC भी उनके ऊपर केस करने जा रही है, सरकार का हर विभाग इनके ऊपर केस करने जा रहा है, तो इल्लीगलिटी आप समझ सकते हैं। लेकिन एक RWA दूसरे RWA पर अपना हक कैसे जता सकते हैं? गुंडे हैं जो शरीफ आदमियों के ऊपर आके खड़े हो गए, तो हमने अब रास्ता अपनाया है कि हम चुपचाप यहाँ पे खड़े हैं, जब तक हमारे को एंट्री नहीं मिलेगी, पुलिस की पूरी सुरक्षा नहीं मिलेगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब तक पुलिस का क्या कहना है? पुलिस कुछ नहीं, पुलिस साइड में खड़ी है, देख रही है।
पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालात ये हो गए हैं कि अपने ही घर में बेगाने की तरह अब वो यहाँ अपनी चौखट पर खड़े हुए हैं, अपने घर पे अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर उनको कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है कार्ड के थ्रू, जो बिल्डर के द्वारा बनाई गई थी, आरडब्ल्यू के द्वारा बनाई गई थी, उन सबको ब्लॉक कर दिया गया, जिस वजह से आज ये अपने ही सोसाइटी में बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। ना तो पुलिस इस मामले में इस बिल्डर के खिलाफ कोई ठोस एक्शन ले रही है, ना ही कोई अन्य विभाग ले रहा है। ऐसे में आज हालात ये हो चुके हैं कि बिल्डर अपनी मनमानी पर उतरा हुआ है और इस मनमानी के चलते ये 120 परिवार पता नहीं आज अपने घरों में जा सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।